हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन और मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत हम लोग भारत के 28 राज्यों की अवस्थिति जानेंगे। अगर आप इतना कर सकते हैं तो मानचित्र अध्ययन कार्य के अंतर्गत तमाम प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत का मानचित्र है और इसमें 28 राज्यों को दर्शाया गया है। अब आपको भली भांति जानना है। सबसे पहले यह आपका जम्मू कश्मीर था जो अब दो भागों में बढ़ चुका है, ये आपका हो गया लद्दाख और ये हो गया आपका जम्मू। उसके ठीक नीचे ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके ठीक नीचे ये हो गया उत्तराखंड, उसके ठीक बाईं ओर ये हो गया पंजाब, उसके ठीक नीचे ये हो गया आपका हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके ठीक नीचे उत्तराखंड के ठीक नीचे आपका उत्तर प्रदेश, उसके ठीक बाईं ओर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर ये आपका राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके ठीक नीचे आपको ये हुआ गुजरात। राजस्थान और गुजरात के जस्ट दाईं ओर आपको हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है खंड, यह हुआ आपका छत्तीसगढ़। गुजरात के जस्ट नीचे और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आपका हो गया मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक छोटा सा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा, ये आपका हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट नीचे बाईं ओर हो गया केरल। केरल जहां का साक्षरता दर सर्वाधिक है और लिंगानुपात भी भारत में सर्वाधिक है, उसके जस्ट दाईं ओर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उत्तर में झारखंड से ठीक नीचे दक्षिण ओर हो गया आपका उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा के जस्ट बगल में है पश्चिम बंगाल। अब ये जो दोनों राज्यों की अवस्थिति है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपका हो गया बिहार। और बिहार के जस्ट दक्षिण में हो गया आपका झारखंड। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका हो गया सिक्किम। अब यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा रचना कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसानी से सीख सकते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मेघालय और ये हो गया आपका आसाम। तो इस तरह से आप भारत के मानचित्र में 28 राज्यों की अवस्थिति अगर आप भली भांति जानते हैं तो मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत किसी भी तरह के प्रश्नों का आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं कुछ अलग कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए दैट्स ऑल।